पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में 15 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये घटना बृहस्पतिवार शाम को भतार पुलिस थाना इलाके के अमारून बाजार के पास हुई, जब 9वीं कक्षा की छात्रा बाजार गई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ई रिक्शा चालक और लड़की की जान पहचान का है। घटना के दिन उसने लड़की को बाजार की तरफ जाते देखा और उसे वहां छोड़ने की पेशकश की, लेकिन रास्ते में एक अन्य आरोपी रिक्शा में बैठ गया और दोनों लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अधिकारी के मुताबिक दोनों आरोपी लड़की को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद नाबालिग बाजार लौटे और स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में बताया, जिन्होंने उसके परिवार को यह सूचना दी। पीड़िता का भतार अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद शुक्रवार को ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी को वर्धमान पोक्सो अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।